आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज बात करेंगे एनटीपीसी के एग्जाम को लेकर। ठीक है, उसके पहले यह समझिएगा फॉर्म फिलअप करते हुए और आज जो डेट है मोटा मोटी 2 महीने का एग्जाम आपका निकल चुका है और आप इस 2 महीने में क्या किए हैं अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस है तब। और मैं पहले बोल दे रहा हूं जो भी एग्जाम को लेकर सीरियस है वही इस वीडियो को देखिएगा ताकि देखो सभी बोलते हैं सीरियस है, सभी बोलते हैं लेकिन कर कौन रहा है। सबसे बड़ा बात है फॉर्म भरना बड़ा बात नहीं है, फॉर्म भरने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना तैयारी करना वो बड़ा बात है। ठीक है, तो पहले आप समझो कि आपको टारगेट कितना लेकर चलना है, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि बचे हुए दिन में आपको क्या करना है और अभी तक आपने क्या तैयारी किया है। मोटा मोटी पकड़ लीजिए आपका जो एग्जाम है वो 90 मिनट का है। ठीक है, एनटीपीसी की बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं एनटीपीसी का। ठीक है, 90 मिनट का एग्जाम है और जिसमें जो मैथ है वो कितने नंबर का है तो सभी को पता है भैया मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। और जो मैथ है वो 30 नंबर का है और जो रीजनिंग है वो भैया आपका 30 नंबर का है और जो बच गया जीएस जिसके अंदर जनरल साइंस भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, सब टॉपिक मिलाकर ये जो रहने वाला है भैया ये 40 नंबर का रहने वाला है। अब आपके माइंड में आएगा और आप ये भी आपको पता है और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं, नकार नहीं सकते कि 40-50 लाने के बाद एग्जाम निकलने का आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप कोई भी कास्ट हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट के हो, कोई भी कैटेगरी हो, इतने नंबर लाने के बाद आप एग्जाम निकलने का उम्मीद नहीं रख सकते, ये तो आप सभी को पता है। तो क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, एएलपी का, आरपीएफ का, आपने देखा होगा रिजल्ट। अब मैं बात करता हूं मोटा मोटी टारगेट कितना लेकर चलना है और आपका भैया मेरा मैथ बहुत कमजोर है, मैथ समझ में नहीं आता, हम क्या करें, यही चीज मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, प्यार समझिएगा। ठीक है, मान लो और ये जब चीज मैं बता रहा हूं ना मैं ऑफलाइन क्लास में बच्चों को अच्छे से समझा चुका हूं, डाटा बता चुका हूं। ठीक है, और ये भी आप चीज भी समझने की कोशिश करिएगा। मान लो आपको जो टारगेट लेकर चलना है वो लेकर चलना है कम से कम 70 नंबर का, इतना तो आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अब शिफ्ट हार्ड हो तो 4-5 नंबर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर शिफ्ट इजी हुआ अगर शिफ्ट आसान हुआ तो ये नंबर आपका भी बढ़ेगा 5-6 नंबर, अगर हार्ड हुआ तो सही है। ठीक है, और इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो मानकर चलो 5-7 नंबर आपका जो है वो भी आपका इंक्रीज होगा, ये भी फिक्स बात है। 5-7 नंबर लाने के बाद आपका जो डाटा है वो इंक्रीज होगा, ये बात भी मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब मान लो आप सभी ध्यान दीजिएगा, जन बोलता है भैया किताब कौन सा फॉलो करे, आर एस अग्रवाल, किरण प्रकाशन। ठीक है, मैं नाम लेकर बुराई नहीं करूंगा लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा आज के चीज में। मान लो अगर आप कोई सा भी किताब लेकर आ गए, आपके पास किताब होगा ही होगा जो जनरली तैयारी करता है ना स्टार्टिंग में, तो वो आर एस अग्रवाल या किरण प्रकाशन की किताब लेकर ही आते हैं। आप किताब के पीछे में अगर उसका आंसर देखेंगे ना तो देखेंगे बहुत लेंदी बनाया गया है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है और एक चैप्टर में 130-140 प्रश्न है और बहुत सारा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी सच्चाई है जब 130 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि भैया एक चैप्टर को एक मान लो आप नए तैयारी कर रहे हैं, किताब लेकर आ गए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने टाइम कितना लगेगा, 3 मिनट ही मान लेते हैं तो 13 कितना होता है 390 मिनट, बहुत ज्यादा डाटा है यानी 6 घंटा से ज्यादा आपका एक चैप्टर में लग रहा है और फिर भी आपको बहुत सारा डाउट है, आंसर जो है वो लेंदी है, वो तरीका आंसर बिल्कुल गलती है, वो आंसर तो सही कर रहा है लेकिन क्या भैया वही तरीका हम एग्जाम में कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे और ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्योंकि मान लो अब जो सीख रहे हैं वही चीज तो जाकर एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे और आपके माइंड में डेली ना डेली वही बढ़ा जा रहा है। आप एक एग्जाम्पल ले लो प्रॉफिट एंड लॉस का, मान लो आप जाकर देखो उस किताब के पीछे में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, बहुत सारा सवाल तो ये है फॉर्मूला जो यहां पर शॉर्ट है वो बता दिया गया है, ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है इसको फॉलो करो और आप फॉर्मूला को पकड़ कर ही चल रहे हैं कि मुझे इस पर ही बनाना है, लेकिन जैसे ही सवाल हार्ड आ जा रहा है तो वहां पर क्या बहुत सारे जगह देखेंगे उसके पीछे कि लेट मान लो एक्स प्लस एक्स इतना बड़ा सॉल्व कर दिया गया, आगे बढ़ने के बाद पता चला यहां कौन सा फॉर्मूला लगा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक फॉर्मूला को पकड़ कर चल रहे हैं। लेकिन आप जाकर मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही वीडियो बहुत अच्छा बनाए, बहुत सारे टीचर वीडियो अच्छा बनाए, जो आज के कॉम्पिटिटिव के फील्ड में वो चीज आपको लागू करना है जहां पर आपको एक कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर समझ में आए
और जहां आपको फॉर्मूला का जरूरत ना पड़े, जहां पर आप सरल भाषा में देखकर ही बता पाए भैया आंसर क्या होगा। फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड मत रहिए, वरना बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जहां फॉर्मूला पर सवाल बनता नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं, वो चीज आप एग्जाम में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे अगर एग्जाम हार्ड हुआ तो। और सीबीटी 2 भी है, यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में सीबीटी 2 भी है जहां पर आपको क्वेश्चन हाई लेवल के मिलेगा और आपको अच्छे से जज करना है। तो भैया किताब के लिए क्या करें, देखो कुछ नहीं करना है, मैं दोनों आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। देखो मान लो अगर प्रॉफिट एंड लॉस ले लो, रेशियो प्रोपोर्शन ले लो, परसेंटेज ले लो, मैंने हर एक चैप्टर से 45 से 50 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जाकर वीडियो देखिए करवाए हैं, तो वो क्वेश्चन का नोट रखिए, ठीक है। और पीडीएफ हालांकि मैंने अभी अर्थमेटिक या किस चैप्टर का दिया नहीं है, तो वो अभी 3-4 दिन के अंदर मैं देख रहा हूं, क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं जो एग्जाम के लायक है, हर एक सेट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका मैं पीडीएफ बना रहा हूं, तो वो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही दूंगा। या फिर आप मार्केट से कोई सा भी सेट लेकर आकर आप दे सकते हैं। देखो सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा, जरूरी नहीं है कि वो 140 सवाल करना ही करना है, मुझे पंडित बनना है, मुझे सब सीखना है। यार 6 घंटा दे रहे एक चैप्टर में, उसके बाद भी बहुत सारा डाउट है, फिर माइंड भी डिमोटिवेट हो रहा है, एक दिन में एक चैप्टर पूरा 6 घंटा कोई पढ़ता नहीं है, एक के पीछे 4-5 दिन हो गए एक चैप्टर के पीछे पढ़े, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट आप लोग बहुत ज्यादा होंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं डेली ना आपको 4 से 5 घंटा देना है, 24 घंटे में आपको 4 से 5 घंटा देना है और 20 घंटा पूरा माइंड फ्रेश रखना है। आपको हमेशा यह सोचना है मुझे मैथ का एक वीडियो देखना है, ठीक है, 30 से 40 मिनट का, रीजनिंग का एक वीडियो देखना है 40 से 50 मिनट का, मान लो 2 घंटा हो गया, करेंट अफेयर 10 मिनट का ही देते हैं तो मान लो वहां पर 10 मिनट हो गया, और जीके जो है आप मान लो अगर डेली 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप और कहीं से भी पढ़िए 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन को पढ़ने में 2 घंटा भी लग रहा है, तो कितना हुआ 4 घंटा मोटा मोटी मिलाकर है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या। स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है, स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत स्मार्ट है। अब आप सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें नहीं करें, तो टेंशन जो बर्डन है जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में डेली का डेली बढ़ता चला जा रहा है। तो पूरा जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर रखिए, मुझे क्या करना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। मैं बोल चुका हूं जो मैथ है वो आप यहां 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 डेली थोड़ा थोड़ा कर देखिए, 1 महीने के बाद देखेंगे जो थोड़ा थोड़ा है ना उसका कलेक्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। तो तैयारी करना है बहुत स्मार्टली। जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी अच्छे से करिए और खास करके अपने परिवार के लिए करिए जो आपको इतना बड़ा किया, इस काबिल बनाया, अब उनके लिए कुछ करने का टाइम है। तो जब उनके लिए बात आता है करने का ना, तो उनके लिए जो भी काम करेंगे भैया अब सीरियस होकर करेंगे, ठीक है। देखो लाइफ का आधा टाइम तो निकल ही गया है और जितना बचा है वो किसके लिए देना है, अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है आपको कर दिए, इस काबिल बना है कि आप एग्जाम दे सकते हो और बैक सपोर्ट भी आपको कर रहे हैं। अगर अभी तक अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा बैक सपोर्ट दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि इसका एहसान का जो आपको चुकाना चाहिए, और मां बाप का एहसान तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन आपको इतना तो पता होगा ना कि उनकी एज इतनी हो गई है तो थोड़ी खुशी उनको भी देना चाहिए। और जब आप काबिल हो जाएंगे ना और जब आप उनको खुशी देंगे तो आपको रियल जो खुशी होता है ना, सच्ची खुशी, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, वो दिखावा का खुशी है अगर आप कहीं कहीं तारीफ कर रहे हैं अपना तो। लेकिन अगर आप सच में अपने मां बाप को अपने पैसे से कुछ देंगे ना, तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है और आपको फील होगा कि भैया ये रियल खुशी है, मुझे बताना भी नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर से जो खुशी है भैया हम फील कर पा रहे हैं। अगर मेरी बातों को डीपली समझ रहे हैं तो इस बार बहुत टाइम है, तैयारी बहुत अच्छे से करो ताकि आप लोग सक्सेस हो पाओ, ठीक है। देखो मान लो कोई बोलता है भैया मुझे मैथ नहीं आता है और 40 क्लास 41 क्लास मैंने मैथ का अभी तक करवा दिया है, आपने नहीं देखा है, तो मैं बार बार बोलता हूं चैनल पर जैसे ही एंटर करेंगे आपको मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, करेंट अफेयर तो डेली करवा रहा हूं और गारंटी के साथ कि 10 में 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। आप कोई भी मैगजीन खोल लो, कुछ भी खोल लो, आपको वो करेंट अफेयर हमारे पर मिलेगा पीडीएफ के साथ। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, अगर मान लो आपका मैथ बहुत कमजोर है, आपको मैथ कुछ नहीं आता है और अब डाटा कितना पकड़ चल रहा है 70 नंबर, यानी मैथ कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपको आता क्या है, ये दोनों तो आपको आता है ना, यानी ये दोनों जो है भैया ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अभी भी आप इसमें 100 नंबर में कितना नंबर छोड़कर चल रहे हैं, तो भैया
अभी भी हम 30 नंबर ऐसा है जो हम एग्जाम में छोड़कर आ सकते हैं, नहीं करेंगे, 70 नंबर सही करेंगे। ये मत सोचिएगा 100 में 100 कर कर आएंगे, निगेटिव जाएगा। आप ये सोचो, ऐसे सोचना है कि 30 नंबर अभी भी है जो हम छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, यानी 30 नंबर नहीं भी करेंगे फिर भी मेरा एग्जाम निकलेगा, आपको ऐसे सोचना है। लेकिन 70 का अगर डाटा लेकर चल रहे हैं तो 70 मुझे आना चाहिए। मैथ नहीं आता है, रीजनिंग। अब देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्लास हो गए आप स्टार्टिंग करो आज से, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और यह भी याद रखिएगा, सीबीटी 1 आपका निकल गया और सीबीटी 2 में क्वालिफाई कर गए, तो ऐसा नहीं है कि तैयारी मैं फिर से कराऊंगा। सारे चैप्टर तो मैं सीबीटी 1 में करवा दिए हैं और वही चैप्टर आपका सीबीटी 2 में होगा, तो होगा क्या, जो आप यहां पर सीखे हैं बस उसका लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको सीबीटी 1 में जितने चैप्टर सीखे हैं उसका कंसेप्ट याद कर रखिएगा, जितने भी क्लास मैंने करवाए हैं और करवा रहा हूं, ताकि सीबीटी 2 में जब हाई लेवल के क्वेश्चन कराओ तो आपको वो क्लास समझ में आए। तो दोनों को साथ में लेकर चलना है, ये नहीं कि एग्जाम निकल गए फिर इसको पूरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब देखो मान लो 30 नंबर आपने अभी भी छोड़ दिया है, 30 नंबर मान लो मैथ में अगर आप ट्रिगो, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री वगैरह छोड़ भी दिए, और अगर आप, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, कैलकुलेशन, परसेंटेज के कुछ सवाल, एससीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब टॉपिक ऐसा है जहां से आपका 7 से 8 क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लिख कर ले लो, 7 से 8 क्वेश्चन 100% बढ़ेगा सिंप्लीफिकेशन से, एससीएफ से, एलसीएम से, स्क्वायर से, नंबर सिस्टम से। ये सब चैप्टर मैंने पानी के तरह करवा दिया है आप सभी को, ये सब चैप्टर तो आप कर सकते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मैंने करवा दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है। अब मान लो आपको ये सब टॉपिक नहीं आता, नहीं करना है, भैया मुझे पंडित नहीं बनना है, सब कुछ सीखकर मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे एग्जाम निकालना है स्मार्टली, और स्मार्ट स्टडी होता क्या है वो बताइए। ये आप कर सकते हैं ना, जो 4-5 चैप्टर के नाम बोले वो सब आप कर सकते हैं, कहीं लिख लीजिएगा, 7-8 नंबर वो कवर करेगा, और अर्थमैटिक अंकगणित जो है वहां से 5-6 चैप्टर और कर लो। क्या क्या, तो एक हुआ हमारा परसेंटेज, जहां से सवाल बनता ही बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, जहां से 1 या 2 सवाल तो बनेगा ही बनेगा, और क्या है भैया रेशियो प्रोपोर्शन, यहां से भी सवाल बनेगा ही बनेगा, और मैंने ये सब चैप्टर करवा दिए हैं, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, मिश्रण वाला, और क्या भैया टाइम एंड वर्क, ठीक है, और क्या भैया डिस्टेंस वाला सवाल, पाइप एंड सिस्टम, ये अर्थमैटिक के चैप्टर आपको करना है, ये चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 से 8 चैप्टर आपको अर्थमैटिक में करना, दिमाग पूरा क्लीन, हमको मैथ में पूरा नहीं पढ़ना है, बस अर्थमैटिक का 7 से 8 चैप्टर, और स्टार्टिंग का जो बेसिक चैप्टर है मैथ का जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट, उसके बाद बोलो सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं उसको, या फिर नंबर सिस्टम, एससीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब चैप्टर जो है वो सीखेंगे। इतना तो करना पड़ेगा एग्जाम निकालना है तो, अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना फिर भी आप ये चैप्टर मिलाकर 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आप इसमें 15 से 16 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता, ये प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, कोई नंबर नहीं छीनेगा। और मैं सारे चैप्टर करवाऊंगा और ये भी कराऊंगा, लेकिन सारे चैप्टर करवाने के बाद हाई लेवल क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाए हैं, ताकि आप देख लो 18 में जितने क्वेश्चन आए आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे, सभी बोल रहे भैया सब बन रहा है। और लेकिन हाँ, वीडियो देखने के साथ साथ हर एक क्वेश्चन का नोट्स भी आपको रखना है, वो होता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। मान लो मैथ बहुत कमजोर है लेकिन इतना तो मैथ कर ही सकते हैं भैया, 15-16 नंबर, कितना नंबर छोड़े हैं, 30 नंबर अभी भी निकाल दिए भैया, मान लो 30 में 15 और निकाल दो, कितना नंबर अभी हम और छोड़ सकते हैं, तो भैया 15 नंबर अभी हम और छोड़ सकते हैं। अब आते हैं हम रीजनिंग और जीए में, यहां पर जो ये टॉपिक है ना, ये टॉपिक, अब ऐसा नहीं है कि आपका सब टॉपिक कमजोर है फिर तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा तो है ना भैया मैथ समझ में नहीं आता, लेकिन ये दोनों हमें आता है हम कर सकते हैं। और रीजनिंग में जितने भी हार्ड टॉपिक है सब मैंने करवाए हैं, सिलोगिज्म बोल लो, डायरेक्शन बोल लीजिए, ब्लड रिलेशन बोल लीजिए, कैलेंडर, क्लॉक बोल लीजिए, या फिर नंबर सिस्टम बोल लीजिए, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज बोल लीजिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट वाला सीरीज बोल लीजिए, ये सब चैप्टर मैंने करवाए हैं। आपको कहां मिल जाएगा, सक्सेस की 98 पर जाएंगे तो देखेंगे रीजनिंग का प्लेलिस्ट है रेलवे का, उसके अंदर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। अब इसके, और मैं ये भी बोल चुका हूं उसके बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक टॉपिक और है आपका डाटा सफिशियंसी,
ये मैं करवाऊंगा, प्लस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और स्टेटमेंट मतलब सिलोगिज्म वाला नहीं, कथन और निष्कर्ष वो मैंने करवा दिया है और यहां तक बोल दिया, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी है। एग्जाम जिसमें होगा वो मैं आपसे मिलूंगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है ना, आपका कथन के ऊपर पूरा पैराग्राफ दिया है, समझना है आपको, लॉजिकली बताना है वो चैप्टर, तो ये दोनों चैप्टर करवा दूंगा। तो रीजनिंग में विश्वास मानिए आप लोग, 30 में 25 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता आपका 30 में 25 नंबर। और यहां मैं सभी एग्री होंगे, भैया 30 में रीजनिंग में 25 उठा लेंगे, बस प्रैक्टिस का खेला है, 25 नंबर तो भैया हम यहां से उठा ही लेंगे। और बात आता है आपका जीए का, जनरल अवेयरनेस का। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप पहला बार एग्जाम दिए, अगर एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं जो आपके पीछे पड़े हैं और जॉब चाहिए, तो ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे, आरपीएफ का एग्जाम दिए होंगे, रेलवे का, इतना सारा एग्जाम एनालिसिस, इतने सारे पेपर देखे होंगे, 18 में बहुत एग्जाम हुआ और आपने तैयारी भी की होगी। लेकिन हाँ, इस 10 में, इस 40 में 10 नंबर करंट अफेयर है, और इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर करंट अफेयर मेला फॉलो करते हैं, बहुत जन डेली देख रहा है, 10 में 8 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, गारंटी बोल रहे हैं, गारंटी। आप जाकर देख लो कहीं भी वेबसाइट में, कहीं भी मैगजीन में, हर एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो 40 में 10 निकाल दो करंट अफेयर के लिए, 8 नंबर मान लो आप यहां पर स्कोर किए, और पीडीएफ भी मैं डेली दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम के टाइम रिविजन कर पाओ, successkey98.in पर। और एक बात, अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाम के टाइम करंट अफेयर का 4000 क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम निकाल सकता हूं, तो ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है। अगर आप डेली 10 मिनट देते हैं ना, तो वो एक महीने के बाद जाकर आपके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन होगा क्वेश्चन का, और पता भी नहीं चलेगा आप कितना पढ़े। लेकिन एग्जाम के टाइम दो दिन पहले अगर 7 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होता, फिर रिवीजन कब करोगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है करंट अफेयर फॉलो करने का, डेली 10 मिनट टाइम दीजिए, सुबह 4:30 बजे वाला क्लास देखिए, आपका यह स्ट्रैटेजी काम करेगा। अब बचता है इसमें 30 नंबर, अब क्या करें, कितना नंबर अभी तक आप स्कोर कर चुके हैं, 15 और 25 40 और 48 नंबर तो भैया हम स्कोर कर चुके हैं स्मार्टली, और ये पॉसिबल है अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो पॉसिबल है। और मैंने यहां तक बोल दिया है, रीजनिंग हो मैथ हो, चैप्टर देखने के बाद कोई सा भी किताब मार्केट से लेकर आइए, देखिए आपसे सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। आप बोलोगे भैया हर एक सवाल बन रहा है, ठीक है, लेकिन जो जीए का 30 नंबर है, इसके लिए ग्रुप डी 18 वाला और जीए क्वेश्चन ज्यादा चेंज होता नहीं है, वही क्वेश्चन पढ़ना है, बस थोड़ा समझना है। और जीए में क्या है, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, ये सब टॉपिक है, जिसमें डेट भी आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, कैपिटल आता है, करेंसी आता है, जज आता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी के है ना, कैपिटल क्या होगा, करेंसी क्या होगा, प्रेसिडेंट कौन होंगे, पीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो ये सब टॉपिक तो मैं करंट अफेयर में डेली कवर कर रहा हूं, तो ये सब टॉपिक आपको अलग से नहीं पढ़ना है। यहां पर जो पढ़ना है आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है, और क्या पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एडुकेशन की 86 पर आप सभी को हिस्ट्री, जो भी फॉलो कर रहे हैं उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अभी तक आपको मोटा मोटी हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, आपको 3500 प्रश्न करवा दिए गए हैं पीडीएफ के साथ, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है तो गलती आप नहीं बोल सकते कि भैया मेरा है या किसी और का है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये सोचकर फॉर्म फिलअप किए कि मुझे एग्जाम निकालना है, सभी सोच रहे हैं, लेकिन एग्जाम निकालना है और उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, ये बहुत बार डिपेंड करता है। और एग्जाम से एक महीना पहले पढ़कर बहुत ज्यादा नंबर उठा लेंगे, ये तो फिर जीनियस है, या फिर जिसका बहुत सारा कंसेप्ट पहले क्लियर है वही कर सकता है। अगर आपको सच में मेहनत कर एग्जाम निकालना है, और ऐसा भी नहीं है कि जो टैलेंटेड है बस वही एग्जाम निकालेंगे, मेहनत करने वाले बच्चे भी एग्जाम निकालते हैं, लेकिन उसके मेहनत में ईमानदारी होना चाहिए। अगर मान लो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप वहां से पढ़ लीजिए, और 3-4 दिन के अंदर ना मैं एक और क्लास आपका ऐड करने वाला हूं, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का पूरा डिटेल विश्लेषण मिलने वाला है। लेकिन जीएस का अगर मैं बात करूं, ग्रुप डी का जो मैंने तैयारी करवाया था, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों अलग मैंने करवाए थे, और दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे अभी भी याद है 3750 क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिए थे 18 में। और आपका जो क्लास का टाइमिंग है वो कब है, ट्यूजडे, मंगलवार से टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। और ये सब आपको ना एक महीना करना है, 1 से 1.5 महीना, और आप खुद देखोगे, आपको किसी बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आप खुद देखेंगे कि एक महीना पहले मेरा तैयारी कैसे था, एक महीना बाद
आप जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि भैया बहुत फायदा हुआ है और एग्जाम में मैं काबिल हो गया हूं बैठने लायक। लेकिन हाँ, ये जो तैयारी मैं डाटा बता रहा हूं ना, ये एग्जाम से एक महीना पहले आपको ये सब चीज कंप्लीट करना है, ठीक है। अब एग्जाम से एक महीना पहले बचे हुए एक महीना में क्या करना है उसका स्ट्रेटेजी अलग होता है। तो पहले आप इतना काम करिए और सीरियस होकर करिए ताकि आपका एग्जाम निकले। मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यादा नहीं है, अगर आपको जो भीड़ है उस भीड़ से अगर बाहर निकलना है ना तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने कंपटीटर को, सभी कोई को, कि मैं उस काबिल हूं कि मुझे ये पोस्ट मिल पाए।